Vivo Y15 डायरेक्ट वीडियो कॉल नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट वीडियो कॉल के ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। यदि आपका वीवो फ़ोन पे जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल काम नहीं कर रहा है, आप वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे उससे, तो दोस्तों यहाँ पर रीज़न क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सारे सारे इसके रिगार्डिंग पर जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो पर बताऊंगा। तो पहले हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सेटिंग भी मैं आपको शो करके बताऊंगा और उसके साथ ही साथ रीज़न मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वह शुरू करते। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें सेटिंग पर जाना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जाना है। उसके बाद क्लिक करना है आपका ऐप मैनेजर पर। ऐप मैनेजर पर आपको जैसे ही यहाँ पर जैसे आप ऐप मैनेजर पर जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे फ़ोन पे जाइए, ठीक है। फ़ोन सर्विस, फ़ोन पे जाने के बाद दोस्तों फोर स्टॉप कर दीजिए। फोर स्टॉप करने के बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाइए, इसका जो डेटा है उसको क्लियर आप कीजिए। तो डेटा क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर बैक कीजिए, उसके बाद जाइए परमिशन पे, जितना भी परमिशन है उनको अलाउ करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर अलाउ अलाउ, तो अलाउ करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद ऊपर में दोबारा से जाइए, कैमरा जो है उसको भी रीसेट कर दीजिए। कैमरा पर जाके फोर स्टॉप कीजिए, तो ये हो गया फोर स्टॉप। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाके इसका भी क्लियर डेटा कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर डेटा वगैरह करने के बाद बैक करना है, परमिशन पर जाना है, सारे परमिशंस को अलाउ करना है। तो उसके बाद दोस्तों आप डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों जाइए वीवो फ़ोन के आपके जो डायलर है फ़ोन पे उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको जो है वीवो फ़ोन के अंदर पे इस तरह का एरो मिलेगा, ठीक है, उनके नंबर के सामने में। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यह आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों यह है वीडियो कॉल का सेटिंग, अभी रीज़न क्या है सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, आप यूज़ कर रहे हैं वीवो फ़ोन और आपके जो दोस्त यूज़ कर रहे हैं वो किसी दूसरे और कंपनी का फ़ोन हो सकते हैं, तो उसमें डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का फ्यूचर यदि नहीं है तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यह बार आप ध्यान पर रख लीजिए। यदि आपके पास भी वीवो का फ़ोन है, आपके दोस्त के पास भी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये था दोस्तों सॉल्यूशन, सेटिंग और इसका रीज़न काम नहीं करने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।